कितनी अजीब बात है, किसी ने मेरे लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की और अब तक मेरी विश नहीं की। अच्छा ये लाइट्स इतनी डिम क्यों और ये स्पॉटलाइट? मुझे नहीं पता शिव, मैंने तो सिर्फ डेकोरेशन कराई थी, जैसे कि तुम मम्मी जी के लिए हमेशा करना चाहते थे। गोविंद जी आपने बताया नहीं कि ये ड्रेस किसने दी? ये लाइट कैसी? लक्ष्मी जी जन्मदिन है, जन्मदिन में तो ये सब पता ही है ना। और ये मैं सोची ये ड्रेस किसने दी, ये देखिए इस ड्रेस में आप कितनी खूबसूरत लग रही है। बर्गर बनाते हो, मैं आपका बर्गर क्यों नहीं बनाता? क्योंकि तुम छोटे हो ना, इसलिए। तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं आपका बर्गर बनाऊंगा। और कैसे बनाओगे? जैसे आप मेरे बर्गर पर सारा घर ब्लू बलून से सजाते हो, वैसे मैं आपके बर्गर पर पिंक एंड व्हाइट बलून से पूरा घर सजाऊंगा। जैसे आप मेरे बर्गर केक पर मेरे फेवरेट कार्टून का पिक्चर बनवाते हो ना, वैसे मैं आपकी फेवरेट यशोदा जी और कान्हा जी का पिक्चर बनवाऊंगा आपके केक पर। जैसे हर साल पापा आपको बंगाली साड़ी गिफ्ट करते हैं ना, वैसे मैं भी आपको प्रिंसेस ड्रेस गिफ्ट करूंगा। और जैसे मेरे बर्थडे पर सब डांस करते हैं, वैसे आपके बर्थडे पर भी सब डांस करेंगे। तो भाभी कैसा लग रहा है आज आपको? भैया आज ये सवाल आपको मुझसे नहीं, शिव और मम्मी जी से पूछना चाहिए। अरे भाई के तो चेहरे से ही पता चल रहा है कि भाई कितने खुश है। एक काम करता हूँ, माँ से पूछो। माँ वैसे इससे पहले कि मैं आपसे कुछ पूछूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। पापा आपको क्या कहना है इनके बारे में? मेरे ख्याल से तो आज का दिन इन दोनों की जिंदगी का सबसे यादगार दिन होने वाला है। पापा यादगार तो होगा ही ना, क्योंकि इतने टाइम बाद हमारा घर इतने अच्छे से सजा है और आज तो आस्था भाभी भी हमारे साथ है। चाची और भाभी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? डरा दिया बेटा तूने। कहना चाहेगी ना, क्यों नहीं कहना चाहेगी। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? और सब कुछ बहुत सुंदर है। और आज बर्थडे की वजह से हमें भी देखो कितने अच्छे कपड़े पहनने को मिले। अरे गुरुमा, गुरुमा आपको कुछ कहना है? सबको एक साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। शिव और लक्ष्मी को मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव इनसे बना रहे। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। जय माँ। तो फिर मेरे प्यारे फैमिली वालों, चलो केक काटते हैं। हाँ। और क्योंकि जन्मदिन दोनों का है, दोनों केक भी एक साथ ही काटेंगे। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। बिल्कुल सही। शिव, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी।
आदर्श बहू बनने का दिखावा कर रही है। अगर एक बार हो जाए ना तो वो गलती होती है। लेकिन अगर बार बार हो तो वो गुनाह बन जाता है और जिसे हम उसकी गलती समझ रहे हैं ना वो जानबूझकर कर रही है। उसी की वजह से मेरी अपनी बेटी मुझसे दूर हो गई और अब मुझ में और मेरे बेटे में दूरियां बना रही है। एक रिश्ता क्या बना लिया इससे, मुझे अपनी जिंदगी के दो अहम रिश्तों की कुर्बानियां देनी पड़ी। गुरु क्या था ना, आप आस्था के बारे में अभी भी ये सोचते हैं? मां आपको आस्था हर जगह गलत क्यों लगती है? वो उस दिन उत्सव वाले दिन उसने जो किया वो तो आपको दिखा नहीं, और आज ये जो सेलिब्रेशन हो रही है मां ये आस्था के वजह से हो रही है, क्योंकि वो चाहती थी फैमिली की खुशियों के लिए वो जो करती है वो आपको नहीं दिखता। मेरे लिए जो वो करती है वो आपको नहीं दिखता, आप तक के लिए वो जो करती है वो भी आपको नहीं दिखता। क्यों, क्या प्रॉब्लम है आपको आस्था से? मैंने आस्था को भला बुरा क्या कह दिया, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? और मैंने जो भी कहा सच कहा। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े सब जानते हैं इसने क्या क्या गलत किया है। नहीं मां, सब नहीं, सिर्फ आप ही को आस्था हमेशा गलत लगती है, इसलिए आपकी नजरों में थोड़ा प्यार और थोड़ी इज्जत पाने के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करती है, लेकिन आपको वो नहीं दिखता। वो कोशिशें इसलिए करती रहती हैं क्योंकि वो सिर्फ एक दिखावा करना चाहती है, हमें खुश रखने का नाटक करती है ये लड़की। अगर वाकई इसे हमारी खुशियों की परवाह होती ना शिव, तो आज सबसे पहले तुम्हें विश करती। क्यों मां, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई क्या कहता है वो आपको नहीं देखना चाहिए, कोई आपके लिए दिल से क्या कर रहा है आपको वो देखना चाहिए। जो मुझे दिखा है ना मैं वही बोल रही हूं। जब से ये लड़की इस घर में आई ना एक के बाद एक गलतियां करती ही जा रही है। इस लड़की की वजह से मेरी बेटी इस घर से दूर चली गई, हम दोनों में दूरियां बढ़ा रही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपके और मेरे बीच जो दूरी है ना वो आप लाई हैं। आशा तो इस घर में अब आई है मां, हमारे बीच जो दूरियां है ना वो कई सालों से हैं। हाँ, अब दोनों के बीच में दूरियां थी, लेकिन वो दूरियां इस लड़की ने और बढ़ा दी। शायद आपको आशा से कुछ ज्यादा ही शिकायत है। और मां जब तक आपको आस्था की सिर्फ गलतियां दिखाई देंगी ना आपकी और मेरे बीच ये दूरी रहेगी। और गलत आस्था नहीं है, गलत आपकी सोच है, और आपकी सोच पे ना मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। यही बात अगर किसी और ने कही होती ना तो शायद मैं सुन भी लेती, लेकिन आज तो मेरे बेटे ने ही मुझसे तुम्हें मेरी सोच पर अफसोस है ना शिव, तो मुझे अपने फैसले पर अफसोस है। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैंने इस लड़की को इस घर की बहू बनाया। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा।
वापस करोगे तुम दोनों। आज तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ बाबा, और इसी बात का अफसोस मुझे भी है कि हमारा जन्मदिन एक दिन पे क्यों, वो भी हमारी तरह होना चाहिए था, अलग अलग। तो मैंने खुद रखी थी, फिर वो चली कहां गई? ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।